हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है DL Ed चतुर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप को लेकर के, और एक और जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे, वह है थर्ड सेमेस्टर इंटर्नशिप कुछ प्रशिक्षुओं की अभी तक पूरी नहीं हो पाई है तो वो क्या करेंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सभी अपने मित्रों को शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी जो कि मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वो है कि थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप भी पूरी नहीं हो पाई है बहुत सारे प्रशिक्षुओं की, तो उन्हें क्या करना होगा। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूँ कि अभी जैसे बीच में आपके प्राइमरी स्कूल नहीं खुल रहे थे, तो इस वजह से बहुत सारे प्रशिक्षुओं की इंटर्नशिप पूरी नहीं हो पाई है। किसी के 15 दिन बाकी है, तो किसी के 20 दिन बाकी है, किसी के 5 दिन बाकी है, तो इस तरह से थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप के भी अभी काफ़ी डेज बचे हुए हैं, और हालांकि फोर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप भी लगनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में देखिए, जिन प्रशिक्षुओं को मैं बता दूँ उनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, तो वो क्या अपने अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेज़, वो आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीच में आपके लिए एक ऑनलाइन इंटर्नशिप कराने के लिए एक लेटर जारी हुआ था काफ़ी समय पहले, जब आपका प्राइमरी स्कूल बंद हुए उसके बाद। तो देखिए, आपके जितने भी डेज बाकी है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका प्राइमरी स्कूल खुलना चाहिए, बाकी बच्चे आए ना आए, तो बीच में आपकी इंटर्नशिप ऑनलाइन चलाई गई थी। कहने का अर्थ ये है कि आपने उसमें भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन माना जाएगा कि आपने उसको ऑनलाइन पूरा किया है इंटर्नशिप को। तो आप इस तरीके से अपने कैलकुलेट करके देखिए डेज़, अगर 30 हो जाते हैं तो फटाफट से अपना इंटर्नशिप लेटर का मुक्ति प्रमाण पत्र लेकर के आप उसको जो है अपने कॉलेज में सबमिट करें, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, तो जिनकी थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई थी, ये जानकारी है कि बीच में इंटर्नशिप ऑनलाइन आपकी मानी गई है, तो आप इस तरीके से अपने डेज को कैलकुलेट करके, और आपकी इंटर्नशिप पूरी हो गई होगी इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं जिनकी फोर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप नहीं लगी है वो क्या करें। चलिए सबसे पहले कुछ लेटर्स को देखते हैं जिन जिन जिलों के इंटर्नशिप लेटर जारी हो चुके हैं। तो देखिए, चतुर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप के संदर्भ में बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर इंटर्नशिप लेटर जारी कर दिए गए हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो रायबरेली, उसके बाद अगर देखिए अलीगढ़, ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं जो मैं आपको शो कर रही हूं यहां पर। अलीगढ़ के बाद यहां पर आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मऊ। तो ऐसे काफ़ी सारे ज़िले हैं जिनकी इंटर्नशिप शुरू हो गई है। ये सुल्तानपुर का आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं बाराबंकी ज़िले का। तो इस तरह से दोस्तों, ये है आपका आगरा ज़िले का। तो बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर इंटर्नशिप शुरू हो चुकी है फोर्थ सेमेस्टर की। तो जिनकी नहीं हुई है वो क्या करें। देखिए गाइज, आपको करना ये है, अगर आपकी थर्ड की बाकी है फटाफट से उसको कंप्लीट करके अपना लेटर सबमिट कराइए, और फोर्थ के लिए डाइट में संपर्क करें, अपने डाइट कॉलेज से बात करें कि क्यों आपके ज़िले की इंटर्नशिप अभी तक नहीं लगाई गई है, बाकी सभी ज़िलों की इंटर्नशिप शुरू कर दी गई है। तो इस तरीके से आप लोग जानकारी लेंगे तो आपको पूरी जानकारी आपके डाइट के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि हम प्रमोट के बारे में भी बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके साथ कंटिन्यू करूँगी कि क्या प्रमोट होना संभव है या नहीं हो पाएगा, तो उस बारे में भी जानकारी हम अगली वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपके लिए इन्फॉर्मेशन यही थी कि जिसकी इंटर्नशिप अभी तक नहीं लगी है वो जाके अपने डाइट कॉलेज से बात करें, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर की जिसकी नहीं पूरी हुई है वो अपना ऑनलाइन इंटर्नशिप के डेज उसमें काउंट करके अपनी इंटर्नशिप को फटाफट से पूरा करके और अपने कॉलेज में अपना कार्यभार मुक्ति प्रमाण पत्र जमा करें, क्योंकि उसकी भी लास्ट डेट निकल रही है। सो थैंक यू सो मच गाइज, इस जानकारी को अपने सभी मित्रों की तक पहुंचाएं, और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।